दीपावली का उत्सव है, भगवान राम के समय तो 14 दिन तक मनाया गया था, तो इसमें तो 2 दिन मनाओ अच्छा है। देखिए जो दीपावली का शुभ मुहूर्त है वो 1 नवंबर को है। जो हमारे पुराण हैं उनके अनुसार 1 तारीख का महत्व बताया गया है। कुछ दिनों बाद पूरे विश्व भर के दिवाली का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा, पर जिहड़े सच भगत है वह जरूर कितने ना कितने शशो पाते हैं। कैलेंडर की मनीए तो दिवाली 31 अक्टूबर को दसी जा रही है, पर कई जिहड़े अयोध्या की गल करिए दिवाली 1 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आखिरकार दिवाली मनाई कदों जाने जी, असं इसी मुद्दे लैके गलबात करांगे। पंडित जी ने दुर्गयाना मंदिर तो पंडित मेघश्याम जी ने गलबात करी। पंडित जी, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इस बार दिवाली जो है कई लोग कह रहे हैं कि 31 को मनाई जाएगी, 1 अक्टूबर को भी लोग कह रहे हैं बनाई जाएगी, पर हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिवाली कब बनानी चाहिए, कब शुभ मुहूर्त है, क्या कहना चाहिए? देखिए जो दीपावली का शुभ मुहूर्त है वो 1 नवंबर को है, और सुबह से लेकर के ही शाम तक उस दिन मस्या है, और दीपावली का जो पर्व है मस्या वाले दिन ही मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ा अमृतसर के अंदर दुर्गयाना मंदिर है, यहाँ पे 1 तारीख को मनाई जाएगी। यहाँ का मंदिर का कैलेंडर होता है उसमें भी 1 तारीख का बताया गया है, और जो दरबार साहब है वो भी अमृतसर के अंदर प्रसिद्ध जगह है, स्वर्ण मंदिर जिसको कहते हैं, गोल्डन टेम्पल, उसमें भी 1 तारीख को मनाई जाएगी। और जो पूजा का फल है वो भी 1 तारीख को ही बनता है। मस्या 31 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी और 1 तारीख को शाम को 6:17 तक रहेगी। प्रदोष काल में हमको अमावस्या प्राप्त हो रही है, इस वजह से धर्म सिंधु निर्णय सिंधु जो हमारे पुराण हैं उनके अनुसार 1 तारीख का महत्व बताया गया है। सभी को उस समय पर प्रदोष काल में दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करना चाहिए, और 1 तारीख को ही 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। पंडित जी, जब भगवान राम जी 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या नगरी में आए थे, तब उस दिन 14 दिनों के लिए दीपावली मनाई गई थी, पूरी अयोध्या नगरी में दीपमाला की जाती है, पर अब की बात करें 1 दिन नहीं है, पर कई लोग 31 को भी मना रहे हैं, 31 को दिवाली मनाने का क्या कारण आप समझते हैं? देखिए वैसे तो ये 5 दिन तक मनाई जाती है, और जब राम जी आए थे उस समय पे 14 दिन तक दीपावली का उत्सव मनाया गया था। अब 5 दिन के लिए दिवाली का ये उत्सव होता है, धन त्रयोदशी से ही चालू हो जाता है, और भाई दूज तक ये 5 दिन का दीपावली का उत्सव होता है। 31 को शाम को प्रारंभ हो रही है अमावस्या, तो दीपावली इसी वजह से कुछ लोग 31 को जो रात को मनाएंगे उसमें जो है जैसे कोई पूजा करता है, कोई तांत्रिक है, या कोई सिद्धि करता है, या कोई ज्यादा वो करता है, उसके लिए 31 की रात्रि जो है सुबह है। किंतु जो घर में पूजन है दीपावली की, अपना फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, दुकानों पे जो पूजा करते हैं, वो 1 नवंबर को ही सुबह है। पंडित जी, 1 तारीख को कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिस दिन लोग पूजा कर सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं? देखिए मुहूर्त तो सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है, चौगड़िया मुहूर्त भी होता है जो शुभ की है, लाभ की है, लग्न में स्थिर लगन श्रेष्ठ रहती है, और वो सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। उस समय के अनुसार सभी को दीपावली का पूजन करना चाहिए, और शाम के समय प्रदोष काल सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें भी स्थिर लग्न है, वृष लग्न जो है स्थिर लग्न है, उसमें शाम के समय पूजा करनी चाहिए। शाम को 5:40 से, यानी अमृतसर के अंदर 35 मिनट में, शाम को 5:35 पर सूर्य अस्त हो रहा है, और उसी से समय पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए, और 6:17 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, तो उस समय पे दीपदान करना चाहिए और पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद में आप बनी पूरी रात पूजा करते रहो, सुबह सूर्य उदय तक, यानी 2 तारीख को सुबह उदय से पहले तक आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, उसमें आप पूजा कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। और वैसे तो ये 2 दिन अगर मना रहे हैं तो अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि दीपावली की पूजा है, भगवान का नाम है,
इसमें आप दो दिन भी मना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप एक दिन ही मनाओ, दोनों दिन मनाइए। दीपावली का उत्सव है, भगवान राम के समय तो 14 दिन तक मनाया गया था, तो इसमें तो दो दिन मनाओ अच्छा है, इसमें कोई भी वो नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे उस दिन लक्ष्मी माता जी की आरती भी की जाती है, हाँ। हम अक्सर छोटे होते तब से हम आरती करते, पर पिछले 4-5 सालों से ऐसा भी प्रचलन चलता है कि उस दिन लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं नहीं, पूजा के बाद में आरती तो करनी चाहिए, कपूर से आरती करिए आप। और आरती में ये होता है कि आरती के जब हम करते हैं तो हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आरती से वो पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। जब हमारी सारी पूजा हो जाती है उसके बाद में आरती की जाती है, उसके बाद में माता को पुष्प अर्पण करके और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। तो आरती तो अवश्य करनी चाहिए, आरती में कोई ऐसा वो नहीं है कि आरती नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद में हर देवता की आरती की जाती है, मंदिरों में भी हम आरती करते हैं, सभी करते हैं, तो जो पूजा में त्रुटि होती है उससे हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, इसलिए आरती की जाती है। धन्यवाद जी। सो बिल्कुल हम तो खुद पंडित जी की जुबान तो सुने कि दिवाली कदों बनानी चाहिए हैगी, हालांकि कई जो लोग है कत्ती नूं भी दिवाली जरूर मना रहे, पर दिवाली जो शुभ मुहूर्त है वह 1 नवंबर दसा जा रहा है। जो गल करिए अमृतसर की दुर्गियाना मंदिर भी जी दिवाली है वो 1 नवंबर मनाई जा रही है, श्री दरबार साहब विखे भी जी दिवाली है आतिशबाजी जी होगी 1 नवंबर जी की जा रही, तो पंडित जी ने सारा खुल के दसा कि 1 नवंबर दिवाली क्यों बना कदों बना कद बनानी चाहिए, शुभ मुहूर्त की है, किस तरह जी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए, सारा जरा पंडित जी ने दसिया, जो कि दुर्गियाना मंदिर के पंडित मेघ श्याम जी ने। कैमरामैन दिलीप के नाल भरत शर्मा, द समर न्यूज़ अमृतसर।